नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि आरएस 31,250 पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, मूलधन दिया है 31,250 रुपए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, और तीसरी चीज हमको टाइम दिया है, टाइम कितना है 2 सही 3/4 ईयर। ठीक है, हमसे उसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसने हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला, पहले अमाउंट निकालेंगे और उस अमाउंट में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के आ जाएगा। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट बराबर होता है P(1+R)/100 की पावर टाइम। ठीक है, ये तो होता है हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला जब हमारे पास सीधे सीधे वर्ष दिए गए हों, लेकिन जब वर्षों की संख्या सीधी ना होके बटे में दी जाए, अपॉन में दी जाए, तो उसके लिए एक और ब्रैकेट लगा के हम 1+R(T/100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे जितने वर्ष दिए गए हैं वो आएंगे, और यहाँ पर जो बटे में या अपॉन या कुछ भी ऐसे जो समय दिया गया है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम लिखते हैं अमाउंट बराबर, मूलधन है 31,250, यह हो जाएगा 1+8/100 का स्क्वायर, वह हो जाएगा 1+8 है 8 टाइम है। अब यहाँ पर 2 वर्ष तो हमने यहाँ पर लिख लिए, ये वाला अब क्या बचा, 3/4 बचा, तो 3/4 हम यहाँ लिख लेंगे और भागे 100 कर लेंगे। ठीक है, अब 4 से यहाँ कट करेंगे, 4 × 8 2 से करेंगे, 50 × 100 यहाँ 4 से करेंगे, 4 × 8 और नीचे करेंगे तो 25 × 100। ठीक है, तो ये हमने कट कर लिया, अब क्या क्या बचा, 31,250 यहाँ से हमारे पास बच गया 25, यहाँ से बचा 2, 25 × 25 = 27/25 का स्क्वायर गुणा, यहाँ से क्या बचा, ऊपर 3 बचा नीचे 50, तो 50 × 50 = 53, 53/50 हमारा यहाँ से बच गया, स्क्वायर है तो हम इसको दोबारा लिख देंगे, 31,250 × 27/25 × 27/25 गुणा यहाँ 53/50 तो था ही। ठीक है, अब सब कुछ हमारे पास है, अब इसको हम कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, तो कट करने के लिए हम 0 से 0 काटेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10 और 5 × 25, अब 25 × 25 होता है 625, तो दोनों यहां से कट जाएंगे, क्या बचेगा, 27 × 27 × 53, ये हमारे पास बच गया, 27 × 27 जब हम करते हैं तो कितना आता है 729 और गुणा करेंगे 53 का, तो जब हम 729 में 53 का गुणा करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, 3 से करेंगे, 3 × 27, 3 × 2 = 6 और 2 = 8 और 3 × 7 = 21 और 5 से करेंगे तो 5 × 9 = 45, 5 × 10 और 4 = 14 और 5 × 7 = 35, 35 × 1 = 36, 7 × 8 = 13, 4 × 5 = 6, 6 × 2 = 8 और 38, तो कितना आ गया यहाँ पर 38,637 यहाँ पर हमारा निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये हमारा अमाउंट निकल के आया। ठीक है, अब अमाउंट निकल आया, मूलधन हमारे पास है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आ गया 38,637 माइनस ये था 31,250, ये माइनस कर देंगे इसमें से 31,250,
यहाँ 7 बच गया, यहाँ पर 8 बच गया, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 7 बचा। 7,387 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लोचा था, वो क्या था कि समय हमको पूरा पूरा ना दिया जाकर बटे में दिया था, यानी 2 सही 3/4। तो हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से लग जाएगा, जो पूरा पूरा समय है वो अलग लिखेंगे, जो समय हमारा बटे में दिया गया है उसको हम R मल्टीप्लाई T करके लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल PK गुरुजी के साथ। नमस्कार।